गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11 सीबीएसई ऑब्लिक आईएससी, सीबीएसई और आईएससी का सेट्स का लेक्चर 7 आपके सामने है। लॉज ऑफ सेट्स के रूप में स्टूडेंट हम लोगों को जो है लॉज ऑफ सेट्स, पहले अभी हम लोग यहां पर जो है लॉज ऑफ सेट्स थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। ब्रीफ का मतलब कि लॉज तो मैं सारे लिखवाऊंगा लेकिन उसकी अभी प्रूविंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रूविंग हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे। पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कितने लॉज ऑफ सेट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग जो है एक वेन डायग्राम पे फिर से आ जाएंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे 3 जो है सेट्स, अगर नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी दिए हो तो उनपे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। पिछले क्लासेस में याद करो कि हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट्स पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराई थी कि चाय कॉफी वाला, कुछ लोग केवल चाय पीते हैं, कुछ लोग केवल कॉफी पीते हैं, कुछ लोग दोनों पीते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं पीते हैं, या क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले, क्रिकेट फुटबॉल दोनों वाले। उस समय 2 नॉन एम्प्टी सेट में हम लोग की प्रैक्टिकल ऑपरेशन हुई थी। आज हम लोग 3 में पढ़ेंगे। उससे पहले लॉज ऑफ सेट्स थोड़ा सा ब्रीफ में देख लें, और इसको अभी हम लोगों को लास्ट में फिर जरूरत पड़ेगी। लास्ट में हम लोग प्रूविंग भी सीखेंगे कि इसके लॉस की प्रूविंग कैसे होती है। तो यहां पर इसको बताने का सेंस ये है कि ये इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि इसकी आप लोगों को 3 के वेन डायग्राम में कुछ कुछ जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले डील जाता हूं। लॉस ऑफ सेट्स में स्टूडेंट पहला लॉ होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब ये आइडेम्पोटेंट लॉस क्या होते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब लॉस होते हैं कि अगर हमने एक ए नॉन एम्प्टी सेट लिया तो उस सेट का उसी के साथ यूनियन या उसी के साथ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। और जितने भी लॉस होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ सेट्स आर बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो लॉज ऑफ सेट्स हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड हैं। सारे लॉज यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड हैं। तो आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब हुआ कि यूनियन ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ, मतलब यूनियन और यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ, यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉस। उसको आइडेम्पोटेंट लॉस कहते हैं हम। अब ये कैसे होता है, देखिए ए का यूनियन अगर आप ए के साथ लेंगे तो ए ही आएगा, एकदम कॉमन सेंस है, कोई बहुत टिपिकल की बात नहीं है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन अगर उसी के साथ लेंगे तो वो सेट इटसेल्फ आएगा। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो भी ए आएगा। तो किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकालना, किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालना, ये आइडेम्पोटेंट लॉस कहलाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? सेट इटसेल्फ। चलिए अब दूसरे लॉ पे आते हैं, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉस। अभी आइडेंटिटी लॉस क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा फाई एंड यूनिवर्सल आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फाई एंड यूनियन आर यूनिवर्सल आर, फाई एंड यूनिवर्सल आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन सेट थ्योरी। अच्छा, सेट थ्योरी में फाई और यूनिवर्सल दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसी पे ही हम लोगों के जो है बूलियन अलजेब्रा और जितनी भी आगे चल के हम लोगों की
मॉडर्न अलजेब्रा बनी है, ये सब चीजों यानी लॉस ऑफ सेट्स पर ही मॉडर्न अलजेब्रा बनाई गई है। जब आप बीएससी वगैरह करेंगे तो वहां पे अलजेब्रा के भी कई डायमेंशन हो जाते हैं, तो उसमें मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें आपका मॉडर्न अलजेब्रा में सब यूज होगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग ए यूनियन फाई का ले लें, ये पहला, अगर हम ए यूनियन फाई का ले रहे हैं तो आपको पता है ए ही आएगा, और अगर हम ए का इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले लें यूनिवर्सल से, उसका रिजल्ट भी ए इटसेल्फ आएगा। अगर नल सेट से किसी नॉन एम्प्टी सेट का नल सेट से अगर यूनियन लेंगे तो नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ए में बहुत सारे एलिमेंट है, कुछ भी है, तो उन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा। अगर ए का हम कॉमन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट बड़ा है, ए छोटा है, तो कॉमन छोटा आएगा तो ए सेट आएगा। अब हम आपको बता दें कि ये आइडेंटिटी लॉस बनाए क्यों जाते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आपने शायद अलजेब्रा में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अलजेब्रा जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, आपको मालूम है कि ये बीजगणित में फाई को जीरो कहा जाता है, जीरो, और जो यूनिवर्सल है उसको हम लोग वन कहते हैं। मतलब फाई को जीरो कहा जाता है, यूनिवर्सल को वन कहा जाता है। तो अगर हम आपसे कहें, थोड़ी देर के लिए देखिए इसको सोचने में आपको मजबूर कर दे रहे हैं कि ए यूनियन फाई है, तो ए हमारा हो गया, यूनियन का मतलब हमारा आपको पता होगा प्लस होता है, फाई को जीरो, यूनिवर्सल को वन, इस तरह यूनियन को प्लस कहते हैं, आपको पता है, इंटरसेक्शन को इंटू कहते हैं, ये आपको हमने पहले बताया था। तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ए में जीरो जोड़ोगे तो ए ही आएगा। इसी तरह बताइए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल है, तो ए में मल्टीप्लाई कर वन करेंगे तब भी ए आएगा। तो ये देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने आपको और डीप में थोड़ा सिखा दिया है जानकारी के लिए। चलिए तो आइडेंटिटी लॉस में याद रखिएगा कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं पूरे सेट थ्योरी में, एक फाई और एक यूनिवर्सल, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी सेट का यूनियन उस नल सेट के साथ करेंगे तो सेट इटसेल्फ आएगा, और किसी सेट का अगर इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो सेट इटसेल्फ आएगा। तो ये दो आपके आइडेंटिटी लॉस होते हैं। तीसरा कम्यूटेटिव लॉस, चौथा एसोसिएटिव लॉस, धीरे धीरे अब सब आप लोगों को कहानी समझ में आएगी। कम्यूटेटिव लॉस, कम्यूटेटिव लॉस में पहला ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होगा, कॉमन सेंस है। अगर आप कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी ले रहे हैं, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, तो अगर बताओ ए और बी का यूनियन लेंगे यानी ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखो, चाहे बी और ए को कंबाइन करके लिखो, दोनों का मतलब तो एक ही है। इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं और उधर से बी इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ए का बी से कॉमन लो, चाहे बी का ए से कॉमन लो, कॉमन तो सेम ही आना है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। देखिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ फॉलोस कम्यूटेटिव लॉस। यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन और आपका इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉस को भी फॉलो करते हैं। पहला ए यूनियन अगर बी यूनियन सी कहा जाए, वी कैन राइट ए यूनियन बी यूनियन सी। ए का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो देखिए धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके वेन डायग्राम वगैरह में काम आएगा अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन, इसका मतलब कि
यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन पर। तो भैया यूनियन बटता है इंटरसेक्शन पर, मतलब यूनियन जो है बटता है, बटता का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन पर। तो उसमें पहले कौन है यूनियन, बाद में इंटरसेक्शन। तो लॉज में भी क्या होगा, पहले यूनियन होगा और बाद में अंदर जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। अगर बोला है कि यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनियन बटेगा इंटरसेक्शन पर, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले एलिमेंट का। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई ब्रैकेट बनाते हैं x प्लस वाई, तो उसमें अगर हम लोग बाहर टू लिखते हैं तो टू का दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए अब आप लोगों को सब चीज क्लियर होती जाएगी। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये जो आपका 2x plus 2y लिखेंगे, तो उसी तरह देखिए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन पर, यूनियन बटेगा इंटरसेक्शन पर, यानी यूनियन बाहर होगा इंटरसेक्शन अंदर होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए यूनियन को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट मानेंगे और ये बीच वाला एज इट इज रहेगा। तो बताइए ए यूनियन बी और यही ए यूनियन सी के साथ भी जाएगा, बीच में ये साइन एज इट इज। देखिए कितना बढ़िया से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन, यूनियन बाहर इंटरसेक्शन अंदर, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट मारेंगे तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बीच में एज इट इज। और दूसरा ये लॉ होता है इसका, इसका जो दूसरा लॉ है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में ही इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। अब ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट यूनियन का मतलब इंटरसेक्शन पर बटता है यूनियन पर। तो आपका ए इंटरसेक्शन बाहर, बी यूनियन सी अंदर, बताइए अब ए इंटरसेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट मारेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका देखिए दूसरा लॉ हो गया ये वाला। तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, यूनियन बटता है इंटरसेक्शन पर, यूनियन बाहर इंटरसेक्शन अंदर, इंटरसेक्शन बटता है यूनियन पर, इंटरसेक्शन बाहर यूनियन अंदर। चलिए तो अब आप लोगों का ये देखिए, हम लोग पांच लॉज पढ़ चुके हैं और एक छठवां हम लॉ, सिक्स्थ लॉ, तो हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉज, स्टूडेंट ये हम लोग ने वहां पे चर्चा की थी आपका जो है वे डायग्राम में, कि डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन का नाम था, मैथमेटिशियन हु वाज अ वेरी गुड एलजेब्रिक मैथमेटिशियन आल्सो, बहुत अच्छा एलजेब्रिक मैथमेटिशियन था। उसमें डी मॉर्गन ने डी मॉर्गन लॉस दिए थे यूनियन और इंटरसेक्शन पे, बहुत अच्छा लॉ दिया था। वो लॉस क्या था, पहला कि अगर हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अगर हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये दो डी मॉर्गन्स लॉज है स्टूडेंट, और सातवां लास्ट लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स के लॉज कौन कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्स के ये सिंपल है कि अगर हम लोग ए डैश का डैश करेंगे तो ए के बराबर आएगा। ये छोटे छोटे लॉज हैं और कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए के बराबर होगा। अगर हम लोग फाई कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो यूनिवर्सल माइनस फाई यानी यूनिवर्सल के बराबर होगा। अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये नल सेट होगा। तो ये छोटे छोटे स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट लॉज है, इनको भी आप लोग तैयार रखिएगा। तो देखिए ये थ्री आपके जो है थ्योरम्स थे जो भी हमने आपको ब्रीफ में बता दिया है, और अब हम चालू करने जा रहे हैं
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन थ्री सेट्स. सो वेरी 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 अप टू इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट. और ये तो 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा. ये तो 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा यार, ये आना ही आना है 6 मार्क्स में. और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये श्योर शॉट पढ़ने जा रहे हैं 100% गारंटी के साथ. इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 3 non-empty sets A, B and C, A, B and C respectively. Practical problems based on 3 non-empty sets. मतलब practical problems हम लोग based on 3 non-empty sets देखने जा रहे हैं. काफी important topic है student, ध्यान दीजिएगा. मैं आपके सामने एक Venn diagram बना रहा हूं. वेन डायग्राम में सबको पता होगा कि एक रेक्टेंगल बनाया जाता है और ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है. ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम 3 non-empty sets को 3 सर्कल से दिखाने जा रहे हैं, 1, 2 और यहां से हमारा जो है एक तीसरा आ गया. देखिए हमने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, एक सेट यहां पे सी लिया. तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक ए हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया, एक बी लिया, एक सी लिया. यहां पे जो सेट ए है, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि ये क्रिकेट इंडिकेट कर रहा है, क्रिकेट को, ये फुटबॉल को बता रहा है और ये जो सी है वो टेनिस को बता रहा है, टेनिस. चलिए ए जो सेट है वो क्रिकेट को बता रहा है, क्रिकेट को, बी जो है वो फुटबॉल को बता रहा है और जो सी है वो टेनिस को बता रहा है. चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है ये, 3 non-empty sets पर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है. अब देखिए इस 3 non-empty set जो स्टूडेंट्स आपके सामने वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है जिसको यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं और 3 सर्कल को बनाया गया है, तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए चल रहे हैं. उसमें सेट ए जो है वो क्रिकेट खेलने वाले लोगों की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बी जो है फुटबॉल खेलने वाले लोगों की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सी टेनिस खेलने वाले लोगों की तरफ इंडिकेट कर रहा है. अब जब आप देखेंगे एनसीईआरटी के मिसलेनियस में, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में चले जाइएगा और आरडी शर्मा में तो पूरी एक एक्सरसाइज अलग से दी हुई है और उसको जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि वहां से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है और 6 मार्क्स में आएगा. और आगे आपको एमबीए वगैरह की जो लोग तैयारी करेंगे या जो लोग बीबीए एमबीए आपका बीसीए एमसीए वगैरह तैयारी करते हैं, बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के लिए, उन सब में ये क्वेश्चन जरूर आता है. अब ये 3 non-empty sets पे क्वेश्चन किस तरह का है मैं आपको एक इनफॉर्मल वे में बता दे रहा हूं कि सपोज दैट कि हमारे समाज में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल, कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं. अब अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं. अगर आपसे कहा जाए कि जाओ सर्वे करके आओ कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है, कौन फुटबॉल, कौन टेनिस खेल रहा है, इन 3 का सर्वे करना है. एक पर्टिकुलर आप बहुत बड़े गांव में चले गए, मान लीजिए एक छोटे एक मतलब एक पर्टिकुलर गांव में चले गए, अब छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई गांव में चले गए, वहां आपको सर्वे करके आना है कि वहां कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कौन कोई कौन फुटबॉल खेलता है, कौन टेनिस खेलता है. तो आप सोचिए कितने मेंटेलिटी के अलग अलग मेंटेलिटी के लोग मिलेंगे आपको. कुछ लोग बोलेंगे हम लोग केवल क्रिकेट खेलीला भैया, फुटबॉल टेनिस नहीं खेलीला. कुछ बोलेंगे हम लोग केवल फुटबॉल ही खेलीला भैया, टेनिस और क्रिकेट ना खेलीला. कुछ बोलेगा हम लोग भैया टेनिस ही खेलीला. कुछ बोलेंगे अरे सुना हम क्रिकेट फुटबॉल खेलीला, टेनिस वेनिस नहीं खेलेला, नया वाला. कुछ लोग बोलेंगे हम लोग फुटबॉल टेनिस खेली ला, क्रिकेट का आया, क्रिकेट से का मतलब. कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग टेनिस और फुटबॉल खेली ला, टेनिस और क्रिकेट खेली ला, फुटबॉल खेली ला. कुछ बोलेंगे हम लोग तो तीनों खेली ला. कुछ कहेंगे इन सबसे हम लोग कोनो मतलब नहीं हो गया, हम लोग गुल्ली डंडा खेली ला.
ये सब तीनों ना खेलेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने खूब आएंगे। आपके एक आरडी शर्मा एक्सरसाइज पूरी अलग से है, 3 non-empty सेट पे। तो इसको करने के स्टूडेंट बहुत तरीके होते हैं, लेकिन इसमें अभी हम आपको एक मेथड वन जो बताने जा रहे हैं उसको हम आपको बताएंगे और उसी से आप करिएगा। ये शॉर्टकट भी है, रीजनिंग वाला भी है, अच्छा है, और एक लॉन्ग कट मेथड है उसको भी मैंने कराऊंगा, उसको भी कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, अभी नहीं। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसी से हो जाए तो आप इसी से कर लीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड है। तो देखिए ये आपका शॉर्टकट मेथड से मैं आप लोगों को करा रहा हूं, शॉर्टकट मेथड से। इनकेस अगर जरूरत पड़ेगी तो लॉन्ग कट से भी कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग कट से भी हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। अब ये शॉर्टकट मेथड क्या है कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि एन यूनिवर्सल मतलब अगर हम आपसे यूनिवर्सल सेट की बात करें, तो सोचो यार यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? यूनिवर्सल पूरा जो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे हैं सब मिला के। इसका मतलब जो यूनिवर्सल है वो टोटल सर्वे को बता रहा है, टोटल सर्वे को बता रहा है, यानी पूरा 100% जो सर्वे हुआ उसकी बात कर रहा है। इसलिए कभी भी अगर क्वेश्चन में टोटल सर्वे और ओनली टोटल की बात बता रहा है, कुल सर्वे की बात कर रहा है या टोटल की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा वो यूनिवर्सल सेट को बता रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये पूरा ये 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 सब मिला के, तो ये वो लोग हैं जो कम से कम एक खेल खेलते ही खेलते हैं। पहले ये इन दो चीजों की बात आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात कर रहा है, तो ये वो लोग हैं बाबू जो कम से कम एक खेल खेल ही रहे, मतलब खेलने वाले, ना खेलने वालों की बात नहीं हो रही है। यूनिवर्सल में दोनों आ गया, सर्वे में पूरा आ गया, सर्वे में क्या हो गया, खेलने वाले प्लस ना नहीं खेलने वाले, उस समझ में आया, मतलब जो सर्वे में खेलने वाले भी आ गए, नहीं खेलने वाले भी आ गए, लेकिन अगर यूनियन की बात करेगा तो ये इसमें यस खेलने वाले आएंगे और यूनिवर्सल में यस प्लस नो दोनों आएंगे। ये सर्वे का मतलब पूरा बताता है, लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि जो लोग कम से कम एक खेल खेल ही रहे, ये 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 ये, ये सारा यूनियन होता है। इस दो को याद रखिएगा। अब हम आपके पास इसके कुछ प्रैक्टिस लेके आए हैं और उसी प्रैक्टिस से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये दो पॉइंट हमने आप लोगों को बता दिया मेन। अब हम यहां से आगे अब जो है टर्म्स टू रिमेंबर की बात करेंगे। चलिए टर्म्स टू रिमेंबर में ये जो शॉर्टकट तरीका है, इसके पहले दो चीज याद रखिएगा जो अभी हमने आपको बताई। एन यूनिवर्सल जो है वो सर्वे को बताएगा और जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी है वो जो कुछ न कुछ कर रहे हैं, मतलब जो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, तो ये आपका जो है इसको बताएगा इस वाले पार्ट। चलिए अब टर्म्स टू रिमेंबर में हम क्या लिखेंगे इसके स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप एक वेन डायग्राम बना दीजिएगा रेक्टेंगल की तरह। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल बनाइएगा, तीन सर्कल जैसे हमने अभी आपको घुमाया है एकदम ऐसे ही, एक सर्कल दूसरा सर्कल तीसरा सर्कल, तीनों का इंटरसेक्शन बनाना है। एबीसी ऊपर लिख लीजिए, क्रिकेट फुटबॉल टेनिस, जरूरी नहीं क्रिकेट फुटबॉल टेनिस हो, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, हिंदी न्यूज पेपर, इंग्लिश न्यूज पेपर, इटालियन न्यूज पेपर, वो क्वेश्चन चेंज हो सकता है।
तो अब ये बनाने के बाद ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट स्टूडेंट केवल ये वाला जो इधर वाला केवल खाली है उसको हम स्मॉल ए मान रहे हैं। ये वाला जो स्टूडेंट पार्ट खाली है केवल इधर वाला यानी ओनली फुटबॉल, ये ओनली क्रिकेट है, ओनली फुटबॉल को सी बी मान रहे हैं, ओनली क्रिकेट को टेनिस को सी मान रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसमें जिसमें कि क्रिकेट एंड फुटबॉल है लेकिन टेनिस नहीं है इसको हम लोग डी मान रहे हैं, इसको ई मान रहे हैं, इसको एफ मान रहे हैं, इसको जी मान रहे हैं। चलिए ये याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से लेके चल रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी, ये हमने आपके सामने लेट कर लिया। चलिए अब टर्म्स टू रिमेंबर, मैं आपसे कह रहा हूं स्टूडेंट पहला पीपुल हु प्ले एट लीस्ट वन गेम, जो लोग कम से कम एक खेल खेलते ही खेलते हैं। तो बाबू जो लोग कम से कम एक खेल खेलते ही खेलते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि कम से कम मिनिमम एक गेम खेल ही रहा है, तो मिनिमम एक गेम का मतलब या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल या तो हॉकी सॉरी टेनिस या तो क्रिकेट फुटबॉल दोनों या तो तीनों भी हो सकता है, हो सकता है एग्जैक्टली एक गेम खेल रहा, हो सकता है दो भी, क्योंकि कम से कम ये मिनिमम की बात कर रहा है कि कम से कम एक खेल खेलते एक खेल खेलता ही खेलता है, एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीनों भी हो सकता है, इसका मतलब पूरे की बात कर रहा है। तो ये बताएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसको इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब कि कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है 100 पीपल हु प्ले एटलीस्ट वन गेम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 100, इक्वेशन बन गया। इसी तरह आपको इक्वेशन बनाने हैं, इक्वेशन बनाते जाइएगा क्वेश्चन में, और जब बहुत सारे इक्वेशन बन जाएंगे 5-6 इक्वेशन सारे इक्वेशन उसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे, जो गिवन है उसको पुट करिए उससे दूसरा निकालिए उसको उससे पुट करिए एक्स्ट्रा निकालिए सब निकल जाएगा। चलिए तो जब भी आपसे बोलेगा कि एटलीस्ट वन गेम तो ये लिखिएगा। चलिए दूसरा पीपुल हु प्ले क्रिकेट People who play only cricket, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, People who play football, People who play only football, ये कनेक्टेड हुआ, People who play tennis, People who play only tennis, और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। चलिए इसको पहले देखते हैं पीपल हू प्ले क्रिकेट, अच्छा प्ले क्रिकेट प्ले ओनली क्रिकेट क्या फर्क है, कह रहा है प्ले क्रिकेट जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरे में नहीं बता रहा है जो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि 50 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट का मतलब ये पूरा हुआ है यार, क्रिकेट पूरा हुआ ही है, क्रिकेट का मतलब ये पूरा सर्कल हुआ जिसमें ए डी जी ई आपको दिखाई दे रहा है। ओनली क्रिकेट केवल ओनली ओनली क्रिकेट यानी ये वाला, यानी अगर प्ले क्रिकेट बोलता है ए प्लस डी प्लस जी प्लस सी हो जाएगा, अगर ओनली क्रिकेट बोलता है तो ए हो गया। इसी तरह अगर फुटबॉल बोलता है तो फुटबॉल के लिए पूरा सर्कल है, इसका मतलब आपसे डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ हो जाएगा, ओनली फुटबॉल तो बी हो जाएगा। टेनिस की बात कर रहा है तो सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, ओनली टेनिस की बात कर रहा है तो सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उस क्वेश्चन में लिखा होगा 50 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका मतलब क्रिकेट का मतलब पूरा सर्कल है, इन चारों को जोड़ेंगे दैट इज इक्वल टू 50 लिख देंगे, सॉरी दैट इज इक्वल टू 50 लिख देंगे। 5 लोग ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट खेल रहे हैं यानी ए की वैल्यू 5 दे दिया,
इस तरीके से सोच समझ के बताइएगा आप लोग। चलिए सात हो गया और आगे बढ़ते हैं। इसी ये सारे टर्म्स रिमेंबर आप लोगों को याद रखने हैं। आठवां पॉइंट, पीपुल हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ बोथ वर्ड आया, क्रिकेट एंड फुटबॉल यानी बीच में एंड भी है। पीपल हु प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, फिर बोथ वर्ड आया फुटबॉल एंड टेनिस। पीपल हु प्ले बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, फिर बोथ आया टेनिस एंड क्रिकेट। चलिए क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, जब भी बोथ वर्ड आया स्टूडेंट बोथ रट लीजिएगा। इस बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन यानी कॉमन, ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है और इंटरसेक्शन बीच वाला होता है। चलिए क्रिकेट और फुटबॉल के इंटरसेक्शन को देखते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन ये है, एंड मतलब इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन यानी बोथ मतलब इंटरसेक्शन, बोथ एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये आएगा भले उसमें जी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ये आपका चलेगा यानी डी प्लस जी, याद रखिएगा। फुटबॉल एंड टेनिस के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, फुटबॉल एंड टेनिस के इंटरसेक्शन का मतलब आपका जी प्लस एफ हो गया। टेनिस एंड क्रिकेट के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो ई प्लस जी हो गया। People who play all three games, जो सारे तीनों गेम खेलते हैं तो सिंपल है जी होगा। 11 पॉइंट्स हो चुके हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अभी और मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन सबसे इजी मेथड है ये, अभी देखने में आपको लंबा लग रहा है। 12वां, People who play, People who play cricket and football but not tennis, तेरवां होगा cricket and football but not tennis, tennis नहीं होगा। People who play फुटबॉल एंड टेनिस बट नॉट फुटबॉल एंड टेनिस बट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं होगा। पीपल हु प्ले नॉट टेनिस हो गया, नॉट क्रिकेट हो गया, टेनिस एंड क्रिकेट Not football, चलिए इसमें ये वाला नहीं होगा। चलिए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं लेकिन टेनिस नहीं खेल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, टेनिस नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब डी, ये डी हुआ। क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्रिकेट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, इसका मतलब कौन सा, फुटबॉल एंड टेनिस होना चाहिए, क्रिकेट नहीं, तो ये एफ हो गया। इधर से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए 14 पॉइंट, 15वां पॉइंट, पीपल हु प्ले एग्जैक्टली वन गेम, जो एग्जैक्टली वन गेम खेल रहे हैं यार, ओनली केवल एक गेम खेल रहे हैं, एग्जैक्टली वन गेम। अब एग्जैक्टली वन गेम का मतलब हमको थोड़ा पता है कि कौन सा खेल रहा है, या क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल या हॉकी टेनिस खेल रहा है, या तो क्रिकेट, या तो केवल क्रिकेट खेल रहा होगा, या तो केवल फुटबॉल, या तो केवल टेनिस खेल रहा होगा, कोई एक गेम खेल रहा है एग्जैक्टली, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 16वां, पीपल हु प्ले
एग्जैक्टली टू गेम्स, जो एग्जैक्टली टू गेम्स खेल रहा है, तो एग्जैक्टली टू गेम्स में देखिए ये दोनों वाला डी है, ये दोनों वाला ई है, दोनों का एफ, इसका मतलब डी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा। और एक लास्ट 17, पीपल हु प्ले नो एनी गेम, जो किसी भी गेम को नहीं खेलते वो क्या हो जाएगा, एन यूनिवर्सल, यानी पूरा जो सर्वे है, सर्वे उसमें से हम माइनस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। चलिए ये आप लोगों का जो है पूरा कंप्लीट हुआ, और ये 17 पॉइंट हमने आप लोगों को लिखवा दिए हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए, इस पर मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आया हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड ऑन थ्री सेट्स पर। देखिए मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं, और उस क्वेश्चन से आप लोगों को पूरा ये शॉर्टकट वाला मेथड एकदम मजा आएगा। अभी जो आपने देखा कि 16 पॉइंट हमने लिखवाए, तो आप सोच रहे होंगे 16 पॉइंट क्या लिखवा दिए हैं, बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। कुछ नहीं, इससे इजी बाबू कोई मेथड ही नहीं है, अल्टरनेटिव मेथड है। अभी स्कूलों में बहुत बड़ा बड़ा कराया जाएगा, यूनियन वाले फॉर्मूले लगाए जाएंगे, उसको भी मैं कराऊंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने ले आया हूं स्टूडेंट, उसको देखते हैं। चलिए, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, देखिए सर्वे बोल दिया, सर्वे 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 यूनिवर्सल दिया है, यानी एन यूनिवर्सल दिया है। ये पाया गया कि 15 लोग जो है मैथमेटिक्स, 15 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया, 12 लोगों ने फिजिक्स लिया। अच्छा देखिए, मैथ्स में मैथमेटिक्स बोल रहा है, ओनली मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा है, याद रखिएगा, यही मैंने आपको कहा था, मैथमेटिक्स अलग है, ओनली मैथमेटिक्स अलग है। मैथमेटिक्स लिया, 12 लोगों ने फिजिक्स लिया, 11 लोगों ने केमिस्ट्री लिया, 5 ने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों लिया, एंड लगा हुआ है, एंड 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 मतलब इंटरसेक्शन वाला। 9 जो है मैथ्स एंड फिजिक्स लिए, ये भी एंड वाला है। 4 ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है, एंड वाला है। और 3 ऐसे हैं जिनमें ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं, बीच वाला। फाइंड करना है, ओनली केमिस्ट्री वाला निकालना है। ओनली केमिस्ट्री का मतलब, चलिए ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, इस वेन डायग्राम को देखते हैं। देखिए हमने एक वेन डायग्राम आपके सामने बना भी दिया है सोल्यूशन के लिए। ए बी सी 3 सेट्स लिया, ए को हमने मैथ्स मान लिया, बी को फिजिक्स मान लिया, सी को केमिस्ट्री मान लिया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी ई एफ जी। ओनली केमिस्ट्री का मतलब आपको सी निकालना है, ओनली फिजिक्स का मतलब आपको जो है बी निकालना है, ओनली मैथ्स का मतलब ए निकालना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ यानी एफ निकालना है, मैथ्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री यानी डी निकालना है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, एटलीस्ट एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी सारे नन ऑफ सब्जेक्ट कोई नहीं, इसका मतलब बाहर वाला जो यूनिवर्सल से माइनस किया था। चलिए अब हम आपके सामने सारे क्वेश्चन बनाते हैं और आपके देखें आंसर जवाब कैसे आएगा। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को लेते हुए चल रहा हूं कि सबसे पहले सर्वे दिया 25 स्टूडेंट्स का सर्वे, तो बताइए जरा हम इसका सोल्यूशन करते जा रहे हैं। देखिए अब आपके सामने सोल्यूशन चालू, एन यूनिवर्सल दे दिया 25, क्यों 25 का मतलब ये देखिए सर्वे सर्वे 25 स्टूडेंट का। चलिए अब देखिए मिटाते भी जा रहे हैं, एकदम मैजिक देखिएगा जादू। ये पाया गया कि 15 लोगों ने मैथ्स लिया, मैथ्स ओनली मैथ्स नहीं बोल रहा है बाबू, ओनली मैथ्स नहीं बोल रहा है, बताओ 15 लोगों ने मैथ्स लिया है, तो मैथ्स वाला ये सर्कल है ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ए प्लस डी प्लस जी प्लस सी बराबर 15। ऐसे ना करेंगे यार कटर, ऐसे करेंगे ना उनका कैसे करेंगे बताओ। देखिए मैथ्स वाला भी खत्म हो गया, 12 ने फिजिक्स लिया है, 12 ने फिजिक्स, फिजिक्स कहां पर आओ, फिजिक्स इधर है, ओनली फिजिक्स नहीं बोल रहा है, केवल फिजिक्स इसमें बोल रहा है फिजिक्स, तो यानी बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ बराबर 12, 12 लोगों ने फिजिक्स लिया, 11 ने केमिस्ट्री लिया है, 11 केमिस्ट्री लिए है, 11 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाला 11 कौन सा है, ये देखिए सर्कल बताइए, सी प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ
इज इक्वल टू 11, 11 ऐसे इन्होंने केमिस्ट्री लिया। चलिए पांच ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, याद रखिएगा पांच, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में पांच आ गए। चलिए थोड़ा इधर ले लेते हैं, मैथ्स और मैथ्स एंड केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो ई प्लस जी बराबर पांच हो गया। चलिए पांच ने मैथ्स एंड ई प्लस जी मैथ्स एंड केमिस्ट्री लिया, मैथ्स एंड फिजिक्स लिया है नौ लोगों ने लिया है मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स नौ लोगों ने, यानी डी प्लस जी इज इक्वल टू 9, मिटाते जाइएगा। चलिए ये भी खत्म, चार लोगों ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जी प्लस एफ बराबर 4, ये भी खत्म। तीन ऐसे हैं जिन्होंने सारे गेम सारे सब्जेक्ट लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका जी बराबर 3। चलिए ये भी आपका देखिए खत्म हुआ। अब आपका देखिए इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, उससे देखिए कितने इक्वेशन तैयार हुए हैं, एक इक्वेशन ये तैयार हुआ, इक्वेशन 2, ये सारे इक्वेशन देखिए तैयार हो रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, देखिए सब आपके तैयार हो रहे हैं, इसको इक्वेशन बना लीजिएगा, ज्यादा कंजेस्टेड नहीं लिख रहे हैं, मतलब आपके पास एक इंफॉर्मेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंफॉर्मेशन है, ये आठवां इंफॉर्मेशन को यूज करके, आठवां इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको क्या करना है, इन सबका जवाब देना है। अब तुम बाबू सोचो, अगर ये 8 इक्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वेशन है, इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करके अगर हम सब निकाल लें, ए भी निकाल लें, बी भी निकाल लें, सी डी ई एफ कुछ भी निकाल लें, यानी सारे अगर निकाल लिए ए बी सी डी ई एफ जी, जब सब निकल ही गया तो इसकी क्या औकात है, ये तो आंसर आ ही जाएगा। तो चलिए देखिए सब निकल गया आपका कैसे बताइए, जी दिया हुआ है 3, जी देखिए सेंटर इसी को पकड़ा जाता है, अगर g की वैल्यू अगर हम यहां प्लेस कर दें तो e आ गया, g की वैल्यू अगर आगे चल के हम यहां प्लेस कर दें तो d आ गया, g की वैल्यू अगर हम यहां से उठा के यहां प्लेस कर दें तो f आ गया। तो सब तो निकलता जा रहा है, देखते रहिएगा, इसको सॉल्व मैं कर रहा हूं, बताइए सिंस g इक्वल टू 3 पहली इंफॉर्मेशन है, पुटिंग वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशंस वी गेट, चलिए इक्वेशन में डाल रहे हैं, ई प्लस 3 बराबर 5, ई प्लस 3 बराबर 5 इक्वल टू 2, ई 2 आ गया, अगेन फिर से देखते जाइएगा, डी प्लस 3 बराबर 9, डी प्लस 3 इक्वल टू 9, डी इक्वल टू 6, अगेन फिर से देखिएगा तीसरे वाले में, 3 प्लस f बराबर 4, f बराबर 1, सब निकल रहा है बाबू, देखते जाओ सब निकल गया, और जो निकल रहा है वो हम उसको रखते भी जा रहे हैं, बताइए जी 3 आया है, इसको मिटा रहे, जी 3 आ गया, ई 2 आया है, ई हम यहां लिख रहे हैं 2 आ गया, डी 6 आ गया, डी 6 आ गया, F1 आ गया, देखिए इतनी चीजें निकल गई है। अब बताइए G E D F चारों निकल चुका है, G E D F, अब इन इक्वेशन से हम लोगों का काम खत्म, बताइए D G E अगर हम तीनों प्लेस कर दें यहां पर तो A आ गया, डी जी एफ अगर हम तीनों प्लेस कर दें तो बी आ गया, ई जी एफ प्लेस कर देंगे सी आ जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंस ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई बराबर 15,
डी आपका है 6, जी है 3, ई आपका है 2, तो ए आपका निकल रहा है 6 3 9, तो 11 माइनस हो जाएगा तो 4, ए की वैल्यू 4 आ गई, तो ए आपका यहां पे लिख दे रहा हूं 4 इस जगह पे। नाउ बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ बराबर 12, डी की बात करते हैं 6 है, जी की बात करते हैं 3 है, एफ की बात करते हैं 1 है, 12, 6 3 9 1 10, बी इक्वल टू 2, यानी आपका बी भी 2 आ गया। अब बचा सी, तो सब निकल गया लगभग, बस अब सी बचा है उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए अब आप लोग, सब आप लोगों का खत्म हो रहा है, बताइए सी प्लस E प्लस जी प्लस एफ बराबर 11 है और हमको C की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए ए बी सी, सी निकालना है, बताइए C प्लस ई ए बी सी डी ई एफ, यही था। E आपका क्या है 2, G आपका 3 है, F आप लोगों का जो है 1 है, दैट इज इक्वल टू 11, 3 2 5 1 6, सी इक्वल टू 5, सी 5 आ गया। चलिए तो ये अब आपका हो गया, अब हम लोग आराम से सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, अब हमको इसकी जरूरत भी नहीं है, देखिए सब हटा दीजिए तो भी आपका आंसर आ गया। चलिए बताइए ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री 5 आंसर, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स 2 आंसर, देखते जाइए आंसर आता जा रहा है। ओनली मैथ्स 4 आंसर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बट नॉट मैथ्स 1 आंसर, मैथ्स फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री 6 आंसर। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल एक ही सब्जेक्ट कोई भी हो, 4 2 6 5 11, यानी हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 11 आंसर। चलिए एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कोई भी कम से कम एक गेम सब जोड़ लो, 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, 6 4 10 2 12 2 15 2 17 18 5 23, ये हो गया एटलीस्ट। नन, नन का मतलब बाहर वाले, एन यूनिवर्सल, माइनस आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, 25 माइनस 23 2 आंसर। देखिए सारा निकल गया, बहुत बेहतरीन मेथड स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हमने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया है, थैंक यू सो मच, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।